हेलो दोस्त, करंट अफेयर फॉर रेलवे एग्जाम आरपीएफ एलपी सीबीटी 2 कांस्टेबल एसआई और अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो इस शेड्यूल में होंगे, और ये टोटल टॉपिक नवंबर से है जो हाल फिलहाल का है, लेकिन वीडियो नंबर ये आप कह सकते हैं P13 है। 12 वीडियो ऑलरेडी करंट अफेयर का बन चुका है, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं हॉकी विश्व कप 2018 करतारपुर कॉरिडोर मुख्य चुनाव आयुक्त सेंटिनल जनजाति और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, और एक है PSLV C-43, जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बारे में बात कर लें। इनका नाम है सत्यपाल मलिक, जिनका नियुक्ति किया गया था हाल फिलहाल में ही। ये सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभा को फिलहाल 22 नवंबर को भंग कर दिया है, जिसके कारण से इनका सुर्खियों में है, जिसके कारण से इस पे प्रश्न आ सकता है। बाकी को आगे देखते हैं वीडियो में। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत है हॉकी विश्व कप 2018 से। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बारे में हमने बात कर लिया, तो यहाँ पे हॉकी विश्व कप 2018 जो हो रहा है, ये 14वां विश्व कप है, और इसकी हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इस संस्करण का कहाँ हो रहा है, भारत के भुवनेश्वर में आयोजन किया जा रहा है, जिसका डेट रहेगा 28 नवंबर से लेके 16 दिसंबर 2018, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही है, 4 के ग्रुप में पूरी टीम है, ये ध्यान रखिएगा। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है ये भी आप याद रखिएगा, जो उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें पता नहीं होगा। और स्टेडियम का नाम है कलिंगा स्टेडियम, ये भी हो सकता है। इसका आयोजन आपका 27 नवंबर को हो चुका है, जिसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और AR रहमान का परफॉर्मेंस था। ये भी हो सकता है पूछ दिया जाए कि ओपनिंग सेरेमनी में किसने भाग लिया था, ये भी प्रश्न हो सकता है। और इसके टॉपिक हो गए, उसके बाद आगे की टॉपिक की बात करेंगे हॉकी विश्व कप 2018 के बारे में। तो भारत ने इस विश्व कप को पहली बार और एक ही बार अभी तक जीता है, जो 1975 में जीता था। तो भारत एक बार इस विश्व कप को जीत चुका है। उसके बाद बात करेंगे तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जीतने वाला टीम है, जो 4 बार विश्व कप जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बात करेंगे, तो इन्होंने इस खेल को 3-3 बार जीत चुके हैं। उसके बाद जर्मनी की बात करेंगे तो 2 बार जीत चुका है। तो ये कंडीशन है। और भारत में बोला जाए तो कब कब हॉकी विश्व कप हुआ है, तो पहला अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं, अभी हो रहा है 2018 में, इससे पहले हो चुका है 2010 में, और इससे पहले हो चुका है 1982 में। तो कह सकते हैं भारत में 3 बार अभी तक विश्व कप हॉकी की आयोजन किया जा चुका है। तो भारत के तरफ से कप्तान कौन से हैं, तो मनदीप सिंह आप याद रखिएगा, हो सकता है इससे भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाए। तो ये हॉकी विश्व कप से इतनी टॉपिक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप बताएंगे ओपी रावत जी, श्री ओपी रावत जी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2018 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद होंगे सुनील अरोरा जी होंगे अगले चुनाव आयुक्त, अब इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2018 से आगे के लिए होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ओपी रावत, सुनील अरोड़ा, और डेट तो नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा। वर्तमान चुनाव आयुक्त के बारे में करंट अफेयर में आया जाता है। उसके बाद हमारे पास था सेंटिल जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जनजाति है, जो भारत के बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में भारत का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप उसमें बिलोंग करते हैं। लेकिन ये न्यूज में इसलिए है कि अमेरिका के पर्यटक जिनका नाम था जॉन एलन चाउ,
ये ईसाई से संबंध रखते हैं और ईसाई मिशनरी के लिए थोड़ी बहुत काम भी करते हैं। इन्होंने ये जनजाति जहाँ सेंटिल जनजाति रहते उस क्षेत्र में इन्होंने कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने तीर के द्वारा, इसका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है कि तीर द्वारा हत्या कर दिया गया, जिसके लिए सेंटिनल जनजाति पे बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप का सुरक्षित द्वीप है जहाँ पे 5 जनजातियों में से एक है सेंटिनल, और बाकी और जनजाति के नाम यहाँ पूछ दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा जारवा सबसे बड़ी आबादी में रहने वाला यहाँ पे जनजाति हैं। ये अभी भी नंग अवस्था में रहते हैं पूरी तरह से, पूरी जनजाति पूरी तरह से अभी हैं। इसके अलावा फर्स्ट हो गए सेंटिनल, दूसरे हो गए जरवा, तीसरे पे आगे कहे तो ग्रेट अंडमानी जिसे इन्हें बोला जाता है, महान भी कई बार बोला जाता है, ये तीसरी जनजाति यहाँ का है। चौथा जनजाति उनगे हैं, और पांचवा टाइप के जनजाति सेंटिनाली। ये 5 जनजाति अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और अभी भी ये पुराने अवस्था में है, जो आज से 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले जैसा जनजाति रहा करते थे उस स्थिति में ये भी है। तो कुछ अंडमान के द्वीप है उसमें अभी भी प्रतिबंध लगा है जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, लेकिन इस पे बहस ये छुड़ी हुई है कि सेंटिनल जनजाति द्वारा वहाँ पर्यटन के लिए खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो ये इशू यहाँ है करंट अफेयर का। उसके बाद है करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर की बात होगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये खोला गया है, जिसका शुरुआत शायद ये 27-28 नवंबर को इसकी शिलान्यास किया गया है और आज है 29 नवंबर। तो देख लीजिए 2 दिन पहले का ये न्यूज है करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कहाँ बसता है, ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में कितनी दूरी है भारत से, 4.7 किलोमीटर पे है। जहाँ तक सड़क मार्ग से भारत के गुरुदासपुर कहाँ पे है पंजाब राज्य में, वहाँ से एक सड़क परियोजना बनाई जा रही है। लेकिन इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण क्या है, तो सिख धर्म आप सब लोग जानते हैं, सिख धर्म के पहले गुरु या संस्थापक कह सकते हैं नानक देव, जिनका डेरा बाबा नानक सखा स्थापना किए थे, वहाँ उनकी लास्ट यहाँ पे रेस्ट आए थे, रेस्ट पैलेस हैं उनका, उस स्थान पे आने जाने के लिए किया गया है। और एक कॉरिडोर से वनली फोर मेनली बेनिफिट सिख समुदाय के लिए है और भारत पाकिस्तान के बीच रिलेशन से भी जोड़ा जा रहा है इसका, तो यह ध्यान दीजिएगा। और ये करतारपुर कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है ये भी ध्यान दीजिएगा, नोरवाट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कह सकते हैं, और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलज ब्यास रबी चिनाव झेलम आपने सुना होगा, उसी में रावी नदी के किनारे बसा हुआ ये जगह है। तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करके पूछ दिया जाए। उसके बाद आपका मोहम्मद अजीज, हिंदी फिल्मों के सरताज गायक, सदाबहार गायक का निधन हो चुका है दिल के दौरा पड़ने के बाद, तो ये निधन में आएगा, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और कुछ बहुत सारे हिंदी फिल्मों में गाए थे, तो इनको ध्यान रखिएगा, हिंदी फिल्मों से जुड़ा हुआ इनका। उसके बाद हमारे पास PSLV C-43 और इसरो का संबंध है। तो आज है 29 नवंबर 2018 और आज इसरो सैटेलाइट छोड़ने वाला है, 37 सैटेलाइट एक साथ। तो 37 सुनेंगे लोग तो बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड बन चुका है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये PSLV C-43 यानी उड़ान नंबर 43वां है, यानी 43 उड़ान अभी तक ले चुका है PSLV। और कई बार PSLV पूछ दिया जाता है, तो पोलर सेटेलाइट इसका फुल फॉर्म है, सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो याद रखिएगा ये भी पूछ दिया जाएगा तो आपको बताना है। और पहले SLV होता था, सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो हम करंट अफेयर नहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की क्लास लिए हैं उसमें ये हम PSLV की बात किए थे। तो यहाँ पे इसरो का 43वां उड़ान है जिसमें 37 हो रहा है, इससे पहले इसरो की तरफ से 104 सेटेलाइट एक साथ
उड़ान भर चुका है लेके, जिससे बोले थे PSLV C-37, और इस उड़ान में कह सकते हैं कि टोटल सेटेलाइटों की संख्या 104 थी और इसकी डेट थी 15 फरवरी 2017, जो अभी विश्व के सबसे बड़ी एक साथ सेटेलाइट लॉन्चिंग करने का कीर्तिमान इसरो के पास बना हुआ है। इससे पहले एक रूस के पास था, रूस के ने इसी टाइप का एक अभियान में करीब करीब इससे कम सेटेलाइट किए थे, वो 37 सेटेलाइट था, ध्यान दीजिएगा, 37 सेटेलाइट को 19 जून 2014 को लॉन्च किया था रशिया द्वारा, जिस विमान का नाम था डिनपर, और इस समय उसे रॉकेट बोला जाता था, इसके द्वारा लॉन्च किया था। इसको हटा के पीएसएलवी में 104 किया, और इस बार की जो उड़ान है इसमें आपका 38 सेटेलाइट है, जिसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा है, तो अमेरिका का इसमें सेटेलाइट की संख्या 23 है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोम्बोलिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन का एक एक है, यानी कुल मिला के 31 सेटेलाइट है, जिसका वजन बताया जा रहा है 31 सेटेलाइट का 261.5 kg है, और जो रॉकेट है PSLV-30 इसका वजन 380 kg है। इस टाइप को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आ सकता है। तो ये था 5-6 टॉपिक जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इसमें था आपका हॉकी विश्व कप, करतारपुर कोडार, चुनाव आयुक्त, सेंटिनल जनजाति और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, और एक PSLV C-43। और इससे पहले मैं एक छोटी सी और प्रॉब्लम छोटा मैं छूट गया इसरो वाला में, जिसमें G-SAT-29 के द्वारा भी लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ये G-SAT कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, और इसकी सेटेलाइट लॉन्चिंग डेट थी 14 नवंबर 2018, यानी कह सकते हैं 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 15 दिन में इसरो ने दूसरी उड़ान भरा है। तो ये था करंट अफेयर पार्ट नंबर 13। इसी तरह के नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।